आज ना हम चमड़िया नहीं बंदी नहीं बटी, आज भी नहीं बटी, खाले मुट्ठा नहीं मोड़ जाओगे तुम जिंदगी भर भाई। गुड तो पकौड़े तुझे कौन सी मिल गए बे? ओ भाई साहब, ओ हो साले ज्ञानी हूँ मैं, यही नहीं बना। वो अलग बात है, मैं भी अभी तुम्हारी कैटेगरी में हूँ, बट इतना तो सीखा है ना मैं जिंदगी में लड़कियों के बारे में कि लड़कियां चाहे कुछ करने में अच्छी हो या ना हो, दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, एक बॉयफ्रेंड को उल्लू बनाने में और दूसरा उल्लू जैसे लोगों को बॉयफ्रेंड बनाने में। मैं तो दोनों ही हूं फिर भी सिंगल हूं, पाप लगे मुझे। कुछ भी अब मोर वरना मुझे लगता है आजकल की लड़कियों में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पागल सी हो गई वो, मतलब घमंड आ गया उनमें। मतलब अभी किसी लड़की पे था उस बात, उसे इस बात का घमंड कि मेरे पीछे 100-100 लड़के पड़े हैं। अरे दीदी आंख खोल के दुनिया देखो, हर लड़के के पीछे 100-100 पड़े हैं, कोई तो पड़ जाओ प्लीज। मैं फीस देने को तैयार हूँ। अमेरिका का दलाल बहनचोद, यू कैन ब्लेम मी यार, सिंगल होने की भी एक लिमिट होती है और वो लिमिट मैं 6 महीने पहले ही पार कर चुका हूँ, पाप लगे मुझे। Why are we still here? हाय गॉड, आजकल तो गाने सुनता हूँ साले, गाने भी अलग लगते हैं। मतलब वो गाना याद हो तुम्हें, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल और, हाँ मेरे लिए लाइनें चेंज हो जाती है, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है फिलहाल वो लापता है। कहाँ है अभी तक? 2 बच्चों की माँ, चल एक कर लेंगे, कोई नहीं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और साले तुम लोग भी बाल नहीं आते, भाई माना हुआ है, तूने बताया क्या? ज्ञानी जोक मार पाया क्या? भाई साहब जोक मारना कोई बड़ी बात नहीं, मैं मार सकता हूँ बट डेली मारूं कि भूत थोड़ी है, कौन बोला, पाप लगे कंट्रोल। सो कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होती हर दिन, भाई जोक नहीं मारता अब, ले एक जोक तेरे लिए दे दो, सिर्फ तेरे लिए दे रहा, छोटी लुली वाले लेजमैन, पसंद आए तो इंस्टा पे फॉलो करना, ना पसंद आए तो इंस्टा पे 2 अकाउंट से फॉलो करना, क्योंकि सच्चाई तो हम सबको पता है। तो एक बार टीचर बच्चे से पूछता है जियोग्राफी क्लास में, बच्चों बताओ गंगा कहां से निकलती है और कहां पे जाकर मिलती है? तो उसमें एक हरामी बंदा होता है तुम्हारी तरह, वो खड़ा होकर बोलता है सर मैं बताऊं, गंगा स्कूल का बहाना मार के घर से निकलती है और मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में मिलती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। समझ में नहीं क्या हो रहा है यहां पे, फ्राइडे स्पेशल सीजन 2 रोल इंट्रो। छोटी लुल्ली वाली ये सब लेस्बियन है, पर जो भी हो ये सारे मेरे फ्रेंड है। अगर जस्ट इन केस तुम उनमें से हो जिनको कोई आईडिया नहीं फ्राइडे स्पेशल, तो एक सीरीज होती थी हमारी जो हम बहुत पहले करते थे, फिर बीच में हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। इस चैनल की मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज है अलॉन्ग विद मेरी कहानी और मेरी कहानी बस। इसके अलावा कोई चला ही नहीं, डबल मीनिंग सॉन्ग चले हैं, डबल मीनिंग सीरीज चली बेसिकली पूरी। सो इसमें भी मैं बात करता हूँ मेरे दिल में क्या है और पूरे वीक में मेरे साथ क्या हुआ, या तुम कुछ ऐसी चीज़ जो जानना चाहते हो मेरे से, मतलब बेसिकली भाईचारा ब्रोमैंस जो है हमारा वो हम रखते हैं इसमें, और बाकी दिन जैसे हम वीडियो बनाते हैं दुनिया भर की बात कर लेते हैं, चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, हम अपने बारे में बात नहीं करते। तो फ्राइडे स्पेशल में वो होता है हमारे बारे में बात, भाईचारा बनाए रहता हमारा। तो अगर तुम बाकी टाइप का कॉन्टेंट पसंद करते हो इस चैनल का तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, बट अगर तुम एक्चुअल भाईचारा इन्जॉय करते हो मेरा तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो अभी सीजन 2 का टाइम आ गया, मैंने बहुत लोगों ने मेरे से बोला था फ्राइडे स्पेशल वापस लाओ, और लो सुन ली तुम्हारी फ्यूचर प्लान्स। अभी मैंने किसी लाइव स्ट्रीम में बोल दिया था कि मैं अगले साल क्विट कर दूंगा मेंबर्स ओनली की, और वो बात कहीं से लीक हो गई और सब मेरे से क्वेश्चन करने लग गए, तो सच में छोड़ने वाला है? मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मेरे को पता नहीं अगले साल मैं छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ और मेरे को लाइफ में किस चीज़ें करने के लिए, जैसे मैं जब YouTube पे आया था मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, और वो चीज़ आज भी है, आई लव मेकिंग वीडियोस, बट वो जो किक है ना वो मिसिंग है। जैसे मैं न्यूज़ में था वो रिस्पॉन्स भी नहीं था और वो किक भी नहीं आई थी, तो हम रोस्टिंग पे कूद गए, रोस्टिंग के बाद रेंटिंग पे कूद गए, रेंटिंग के बाद डबल मीनिंग सीरीज पे कूद गए, ऐसे हम ट्रेलर रिव्यू पे कूदे, फिर बॉलीवुड मूवीज़ और सॉन्ग रिव्यू पे कूदे, अब वापस हम न्यूज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें कंबाइन करके कर रहे हैं। हम लोग ठर की जोक करते थे जो मैंने बंद कर दिया था, और इसलिए तुम में से बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं अब वो माया नहीं आ रहा, क्योंकि तुम सब मेरे को ठर की बोलने लग गए थे और मैं उतना ठर की हूँ नहीं। सो ये धीरे धीरे चेंज करके मैं अपने लेवल पे ले आया सबको कि हाँ ये मैं हूँ, ये रियलिटी है मेरी, चाहे तुम ऑफलाइन मिलो या ऑनलाइन मिलो मैं दोनों जगह पे सेम ही हूँ। तो ये कुछ नया फेज़ नहीं मेरी लाइफ का, ये सेम फेज़ है, मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट मुझे आगे कुछ मिल नहीं रहा, कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। सो अभी मैं उसी चीज़ को फिगर आउट कर रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, मे बी अगर मैं फिगर आउट कर लेता हूँ एक बेस्ट और या इससे बेटर चीज़, तो शायद मैं 8 मार्च को जॉब ये यूट्यूब छोड़ दूंगा,
बट मैं पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ छोड़ूंगा क्योंकि मैंने हर एक मोमेंट एंजॉय किया है, दर्द भरा भी, खुशी वाला भी, सब एंजॉय किया है, बट अभी कुछ पक्का नहीं है। 8 मार्च क्यों? तुम्हें अपना सुना तूने? साले इकलौता पहला यूट्यूबर हूँ जिसने इंडिया में अपनी ऑडियंस के लिए गाना लिखा था। 8 मार्च डेली वीडियो शुरू किया, सोचा नहीं था इतना हंसी। हाँ, 16 सितंबर चैनल शुरू किया था, डेली वीडियो मैंने 8 मार्च शुरू करी थी और 4 साल खींच दिया मैंने। वो अमेजिंग चीज़ है। और मेरे को लगता है इतना टाइम था मैं ऑफिस में नहीं टिका, मैक्सिमम मैं 2.5 साल टिका हूँ, यहाँ पे 4 साल टिक गया। बहुत अमेजिंग सफर था, बट मुझे अभी पक्का नहीं क्या करना है। और एट द सेम टाइम मेरे को YouTube वीडियो बनाना भी पसंद है, बट डेली वीडियोस बहुत मुश्किल होती है। तो मे बी शायद मैं कंप्लीटली छोड़ दूँ, शायद मैं कुछ और शुरू कर दूँ जो डेली नहीं होगा बट रेगुलरली होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी पक्का नहीं है, हम काम कर रहे हैं, कॉपी लेके आया हूँ, मैं लिखता रहता हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग, और डिफरेंट एंगल्स से चीज़ें देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हर प्रॉब्लम को करते हैं। अगर सॉल्व होगी तो अच्छा है, नहीं हुई तो और भी अच्छा है, सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ पे तो चल ही रहा अपना हिसाब, क्या दिक्कत है। सॉन्ग्स अभी बहुत दिनों से मैंने कोई गाना रिलीज़ नहीं किया इसमें, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ज़्यादा चीज़ों में लगा पड़ा रहा था और इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। बट सडनली मुझे एहसास हुआ कि इस साल में कुछ भी अच्छा हुआ नहीं है और शायद 1% चांस है कि मैं नेक्स्ट ईयर ना रहूँ। गाने तो मैं करता रहूँगा ऑफकोर्स, वो पक्का ही है, वो हमेशा पक्का है, अपने आप से करूँगा बट करता रहूँगा मैं उसमें, वो मेरा हॉबी और से मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। सर तुम में से बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई अगला गाना कब आएगा, तो अगला गाना मेरे पास 3-4 गाने रेडी पड़े हुए हैं बट हाफ है, कंप्लीट नहीं है, वो आधे लिखे हुए मैंने। और अभी करोना की वजह से मेरे को वही है, मैं सिर्फ चीज़ों में फोकस कर रहा था, फैमिली प्रॉब्लम सर ये हज़ार चीज़ थी, और फिर मुझे सडनली एहसास हो अबे बहन की आँख, अगस्त आ गया यार। अगस्त के बाद पता क्या आता है? अक्टूबर पता क्या आता है? 21 तारीख। 21 तारीख पता क्या होता है? नहीं तू मेरी कहानी देख जाके पकौड़े नायक नहीं खलनायक हूँ मैं टाइप कर ज्ञानी 2.0। अबे दो पार्ट है देख लो यार, बट यही वाला देख, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं ज्ञानी 2.0। तो तेरे को आंसर मिल जाएगा उस चीज़ का। सो 21 अक्टूबर को हम लोग एक गाना रिलीज कर रहे हैं फीचरिंग इंडियन रिहाना मे बी। सो हम उसकी म्यूजिक पे काम कर रहे हैं बट अभी तक D&O's की साइड से मुझे म्यूजिक नहीं मिली है और हम 21 तारीख पे आ चुके हैं। सो लिटरली एग्जैक्टली 30 दिन बाद एक गाना आना और हमारे पास सिर्फ 30 दिन का समय उस गाने को म्यूजिक बनाने का, लिरिक्स लिखने का और पूरी कोशिश करने की कि म्यूजिक वीडियो हम शूट कर सके। मे बी इस बार हम लोग इंडियन रिहाना की वॉइस नहीं यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे रीजन उसमें, बट मैं तुम्हें ओरिजिनल गाना जिस दिन आएगा उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद सुना ही दूंगा। सो हाँ 21 अक्टूबर हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है, वो पक्का। मेरे सपने, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तेरा सपने कंप्लीट कर दे, अबे वो जो लास्ट 6 मिनट वाली वीडियो डाली है ना वो सपना वहीं पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं बड़ी कोशिश करी कि वो सपना कंटिन्यू रख सकूँ, पूरा ही नहीं हुआ कभी वो। अभी मैंने एंडिंग तो डिसाइड कर रखी है उसकी, मतलब दिमाग से सोच के, बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और इसके अलावा 2 सपने और हैं बट दोनों सपनों में सीन पता क्या है कि मेरे को बिगनिंग नहीं पता, मुझे एंड नहीं पता, बस मुझे मिडिल की कुछ मेमोरीज हैं। तो अगेन मुझे कहानी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रही है। सो 3 एपिसोड तो पक्का हैं मेरे सपने के और जल्द आएंगे, पर टाइम लेके आएंगे। तो अभी फ्राइडे स्पेशल कर रहे ना, तो फ्राइडे स्पेशल हम कभी भी घुसेड़ सकते हैं। तो मेरे सपने भी हम लोग लाने वाले हैं चैनल पे वापस। बाकी नेक्स्ट फ्राइडे स्पेशल भी हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट फ्राइडे स्पेशल के लिए अगर तुम्हारी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो कि पहला जो दूसरा एपिसोड होगा फ्राइडे स्पेशल का Season 2 का वो कौन सा होना चाहिए। और मैं थर्सडे या वेडनेसडे तक तुम्हें अपडेट कर दूंगा उसके बारे में, जो भी मेजर लोग कहेंगे हम वो ही करेंगे। और बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग इस सीरीज को वापस कंटिन्यू रखेंगे जब तक 8 मार्च नहीं आता, और फिर देखते हम क्या कर सकते हैं। सैड नहीं हो ना भाई साहब, इस चैनल पे सैडनेस की कोई जगह नहीं है। कठोर शब्दों में निंदा राठौड़ साहब, लाइक करा नहीं कार पकौड़। एक तो तुम लाइक नहीं करते हरामी, तुम चाहते ही नहीं मैं बहन चो गोल्ड लेके जाऊं या इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। जाने से पहले इन्फ्लुएंसर तो बना के जाओ यार, इंस्टा पे फॉलो करो, देखो इमोशनल करना जानता हूं मैं। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब तक के लिए पीस आउट। कल ना उड़े पहली फुर्सत में निकल, गांड फाड़ दूंगा जो लगाई तूने अकल। नया आया है तो सब्सक्राइब करके जा, नहीं तो तुझे भी मिलेगी बदबू। आज क्या मोहब्बत और इज्जत के लिए झुकना पड़े झुक जाओ, बट कभी भी जिंदगी में झुककर मोहब्बत या इज्जत मत मांगना। ट्रू स्टोरी, वो समझो समझो बॉडी पे।